पाकिस्तान के हर सिटी और हर एरिया में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के बिरयानी और पुलाव मशहूर हैं। आज जो बिरयानी की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो शायद ही आपको पाकिस्तान के किसी सिटी एरिया या फिर रेस्टोरेंट में मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की बिरयानी की रेसिपी हमारी देसी बिरयानी और पुलाव से हटकर है। बहुत डिफरेंट से जायके और अरोमा के साथ विद लॉट्स ऑफ वेजीज बहुत लाजवाब बनती है। चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी आज आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी। अपने डिफरेंट नाम की तरह इसको बनाने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है। स्पाइसेस डिफरेंट है और टेस्ट में भी आपको देसी बिरयानी वाला कोई टेस्ट या फिर अरोमा नहीं मिलेगा। टोटली चाइनीज चटपटा स्पाइसी फ्लेवर मिलेगा आपको इस चाइनीज बिरयानी में। बहुत उम्दा न्यू स्टाइल की चाइनीज बिरयानी है, बनाकर खाकर आपको यकीनन तारीफें ही मिलेंगी। चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चाइनीज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 750 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने ली है, इसको स्मॉल क्यूब्स में काट लिया है। अब ड्राई स्पाइसेस जो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, इसमें मैंने ली है पिसी काली मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, वाइट पेपर यानी दखनी मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1.5 टेबल स्पून और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, ये शामिल कर देंगे। इसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून, इसके बबाद इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे 6 टेबल स्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून, इसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून शेजवान सॉस मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अगर ये शेजवान सॉस ना हो आपके पास तो आप इसकी जगह पर कोई भी हॉट सॉस ऐड कर दें, पेरी पेरी सॉस या फिर सिराचा सॉस ऐड कर दें। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, एंड में इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को चिकन में खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए मैं रख रही हूँ। आप अगर इसको मैरिनेट ना करना चाहें तो इसको फ़ौरन से ही बना सकते हैं। अब जितनी देर में चिकन मैरिनेट हो रही है इतनी देर में नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर 3 अंडे ले लिए हैं, इसका हम ऑमलेट बनाएंगे। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून पिसी काली मिर्च और 2 से 3 पिंच नमक, और साथ ही इसमें 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर मैं ऐड कर रही हूँ अंडों में प्यारा सा कलर देने के लिए। अब अंडों को थोड़ा सा फ्लेवरफुल करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 टेबल स्पून ही स्प्रिंग अनियन के ग्रीन लीव्स जिसको बारीक काट लिया है ये ऐड कर देंगे इसमें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसकी कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। तो ऑमलेट बनाने के लिए पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें बीट किए हुए अंडे डाल देंगे। अंडों का यहाँ पर सिंपली हमने ऑमलेट बना लेना है। आधे से 1 मिनट में अंडे नीचे से कुक हो जाएंगे तो इसको फ्लिप कर देंगे। अब इस ऑमलेट को फ्लिप करने के बाद 10 से 15 सेकेंड का वेट करेंगे। जब अंडे पैन में थोड़ा सा सेट हो जाएंगे, थोड़े से कुक हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं अंडों को छोटे छोटे क्यूब्स में तोड़ रही हूँ, यानी स्पून से ही इसको स्क्वायर पीसेज में काट रही हूँ, जिससे कि बिरयानी में अंडे अलग से नज़र आएंगे और बिरयानी खाते हुए अंडों का आपको अलग से फ्लेवर मिलेगा। इसमें अंडे इसमें मिक्स नहीं होंगे, अलग अलग नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पर अंडों को मैंने स्मॉल स्क्वायर पीसेज में तोड़ लिया है, यानी काट लिया है। अब इन अंडों को साइड पर रख देते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पर एक पैन ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 6 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के साथ ही इसमें 2 मीडियम स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट मैं ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को मीडियम रखते हुए प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस आधे से 1 मिनट तक इसको फ्राई करना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद इसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे और लहसुन को भी प्याज के साथ एक प्यारी सी खुशबू आने तक आधे से 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। लहसुन का भी हमने कलर चेंज नहीं करना है। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे और साथ में जो मैरिनेटेड चिकन थी वो ऐड कर देंगे। फ्लेम को हाई रखते हुए चिकन को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। साथ ही साथ आप में से जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दें साथ साथ। देखिए यहाँ पर चिकन को मैंने हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। चिकन को भून लेने के बाद अब इसमें 3/4 कप के बराबर मटर मैं ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसमें 1 लार्ज साइज़ का टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ। टमाटर का छिलका उतार कर इसके बीज मैंने निकाल लिए थे। टमाटर ऐड करने के साथ ही इसमें 1/4 कप पानी मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने मटर को इसमें बॉईल करके शामिल नहीं किया है, इसीलिए मैंने चिकन के साथ साथ मटर इसमें ऐड कर दी है, जिससे कि मटर चिकन के साथ ही गल जाएगी। मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, जब तक कि मटर और चिकन गल ना जाए। इतनी देर में चाइनीज़ बिरयानी के लिए चावल बॉईल कर लेते हैं। तो चावल बॉईल करने के लिए यहाँ पर पतीली में मैंने खुला पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी है ये। अब इस बॉइलिंग वाटर में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर चाइनीज़ बिरयानी मैं बना रही हूँ तो चाइनीज़ बिरयानी के चावलों में भी चाइनीज़ अरोमा और फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी है। हरी मिर्चों को काट कर इसके बीज निकाल लिए थे, आप चाहें तो हरी मिर्चों को साबुत भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून सिरका ऐड कर देंगे।
एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन पाउडर इसमें मिक्स हो जाए, इसमें लम्स ना बने। अब जैसे ही पानी में बॉयल आने लगेगा तो इसमें 3 कप बासमती चावल शामिल कर देंगे। चावलों को अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था मैंने। इसके बाद इसका पानी फेंक दिया है। चावलों को यहाँ पर हमने 80-90% तक कुक करना है। चावलों को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 8-9 मिनट हो चुके हैं और देखिए यहाँ पर चाइनीज़ बिरयानी के लिए चावल 80-90% तक डन हो चुके हैं। देखिए किस तरह से हाथ से टूट रहे हैं ये चावल टोटली डन हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ करके चावलों को जल्दी से स्ट्रेनर में छान कर इसका सारा पानी फेंक देंगे और चावलों को साइड पर रख देंगे। अब जितनी देर में हमने चावल बॉयल किए थे इतनी देर में चिकन और मटर भी गल चुकी है। देखिए यहाँ पर कितनी ग्रेवी वाली सॉसी सी चटपटी सी चिकन चाइनीज़ बिरयानी के लिए रेडी हो चुकी है। देखने में ही कितनी लजीज और लाजवाब लग रही है, तो सोचिए चाइनीज़ बिरयानी कितनी उम्दा बनेगी। अभी इसी स्टेज पर आप इसकी नमक मिर्च वगैरह चेक कर लीजिएगा। फ्लेम को ऑफ करके अब इस चिकन को भी साइड पर रख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर मैंने एक बड़ा खुला पतीला ले लिया है कि जिसमें मैंने बिरयानी को दम लगाना है। बिरयानी को दम पर लगाने से पहले वेजिटेबल्स को इसमें फ्राई करके ऐड करेंगे। इसी पतीली में 2-3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे, साथ ही इसमें एक चिकन क्यूब ऐड करेंगे। अब जो वेजिटेबल्स मैं चाइनीज़ बिरयानी में शामिल कर रही हूँ तो उसमें मैंने ली है 1 स्मॉल साइज़ की बंद गोभी, 2 मीडियम साइज़ की गाजरें, 1 बड़ा टमाटर जिसके सिर्फ सीड्स निकाल लिए हैं, 2 से 3 मीडियम हरी मिर्चें इसके भी सीड्स निकाल लिए हैं, 1 लार्ज साइज़ की रेड वाली कैप्सिकम और 1 ही लार्ज साइज़ की ग्रीन वाली कैप्सिकम ली है और इन सब वेजिटेबल्स को जुलियन में कट कर लिया है। ये वेजिटेबल्स इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को मीडियम हाई रखते हुए वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेंगे। अभी जब तक मैं वेजिटेबल्स यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ तब तक आज की मेरी कलरफुल चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी वीडियो आप सबको कैसी लग रही है साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए वेजिटेबल्स को मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है हाई फ्लेम पर। अब इन वेजिटेबल्स को भी मैं टेस्टफुल बनाऊंगी, यानी ये फीकी फीकी वेजिटेबल्स हम बिरयानी में ऐड नहीं करेंगे। तो इसके लिए 2 टेबलस्पून सोया सॉस मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सिरका शामिल करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून, पिसी काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब एंड में इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। एक बार इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इन सब वेजिटेबल्स को निकाल कर अलग कर लेंगे। ये देखिए वेजिटेबल्स को निकाल लिया है मैंने। अब इन वेजिटेबल्स को भी साइड पर रख देते हैं। अब आ जाते हैं चाइनीज़ बिरयानी के फाइनल स्टेप की तरफ, यानी इसको दम पर लगाएंगे। तो इसके लिए पतीले में सबसे पहले 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी शामिल करने के बाद इस पर बॉयल राइस की एक लेयर लगाएंगे। चावलों को फैलाते हुए पतीले में इसकी लेयर लगा लेंगे। अच्छा फ्लेम अभी ऑफ है पतीले का। जब पूरी बिरयानी को सेट कर लेंगे इसकी तैर लगा लेंगे, इसके बाद बिरयानी को दम पर रखते हुए ही फ्लेम को ऑन करेंगे। अब चावलों की एक लेयर लगाने के बाद इसमें फैलाते हुए फ्राई वेजिटेबल्स की एक लेयर लगाएंगे। इतनी जूसी इतनी अमेजिंग न्यू स्टाइल चाइनीज़ बिरयानी बनती है ना कि आप घर वालों को खिलाएंगे या फिर दावत वगैरह में बनाएंगे ना तो सब यकीन करें आपसे दोबारा फरमाइश करके तो लाजमी बनवाएंगे। अच्छा अभी यहाँ पर वेजिटेबल्स की एक लेयर लगाने के बाद इस पर सॉसी चिकन की लेयर लगाएंगे। अब चिकन जो है इसके सेंटर में सारी ही ऐड कर देनी है, बाकी वेजिटेबल्स और राइस मैंने बचा लिए हैं। अब चिकन शामिल करने के बाद अगेन इसके ऊपर वेजिटेबल्स इसी तरह फैलाते हुए डाल देंगे और इसके साथ ही जो बाकी बचे चावल हैं वो भी सारे इसी तरह फैलाते हुए इस पर लेयर लगा लेंगे। साथ साथ मेरे चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी वीडियो आप सबको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब देखिए चावल सारे डाल देने के बाद एंड में इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, इसके साथ ही इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे बिरयानी वाला कलर देने के लिए। तो कहीं कहीं ये फूड कलर भी इसके ऊपर डाल देंगे। मैं येलो लिक्विड फूड कलर इसमें ऐड कर रही हूँ। आपके पास पाउडर में फूड कलर हो, ऑरेंज हो, येलो हो, जो भी कलर हो आपके पास वो आप इसमें ऐड कर दें। अब कलर डालने के बाद इस पर ऑमलेट जो बना के रखा था वो भी फैलाते हुए इसी तरह से डाल देंगे। अंडे डालने के बाद स्प्रिंग अनियन की ग्रीन लीव्स में इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 मीडियम स्प्रिंग अनियंस मैंने ली थी। इसका व्हाइट वाला हिस्सा हमने पहले स्टार्ट में ऐड कर दिया था चिकन के साथ, अब इसके ग्रीन लीव्स में इसमें एंड में ऐड कर रही हूँ। बस ये चाइनीज़ चिकन बिरयानी दम पर रखने के लिए रेडी है। इसके लिड को दस्तरखान से कवर करके दम पर रखेंगे। फ्लेम चूँकि बंद था बिरयानी टोटली ठंडी है, इसके लिए 5 से 7 मिनट तक फ्लेम को स्टार्ट में हाई रखेंगे और 5 से 7 मिनट के बाद जब इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, इसमें से धुआं निकलने लगेगा, तो फ्लेम को स्लो करके 10 से 15 मिनट तक चाइनीज़ बिरयानी को दम पर रखेंगे। देखिए चाइनीज़ बिरयानी को दम पर रखे हुए मुझे तकरीबन 15 से 18 मिनट हो चुके हैं। तो लीजिए जी न्यू स्टाइल न्यू फ्लेवर डिफरेंट से अरोमा के साथ लाजवाब किस्म की चाइनीज़ बिरयानी रेडी है। देखें आने लगा है ना आपके मुंह में भी पानी इसके अट्रैक्टिव कलर्स देखकर। इसके चावल का एक एक दाना खिला खिला लाजवाब बना है। चावल के एक एक दाने में आपको चाइनीज़ बिरयानी का जायका मिलेगा और इसके टेस्ट की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। आपको इंशाल्लाह इतनी तारीफ़ें और दाद मिलेगी, बच्चे क्या बड़े क्या सभी मज़े से खाएंगे। सर्दियों में इतनी कलरफुल फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स आ रही होती हैं कि दिल करता है कि इनसे नत नई रेसिपीज़ बनाई जाएँ जो कि खाने में भी टेस्टी हों
तो अभी आपने सोचना नहीं है कि अब क्या बनाना है इन वेजिटेबल्स से। तो सबसे पहले तो आपने घर वालों के लिए या फिर मेहमानों के लिए मेरी रेसिपी से चाइनीज़ बिरयानी को ज़रूर बनाना है और बनाकर अपनी फीडबैक मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करनी है। चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी आप सबको कैसी लगी? इस डिफरेंट से चिकन चाइनीज़ बिरयानी को मैं डिफरेंट से ग्रीन बन गोभी के रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।